हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक और फिट होंगे। इस वक्त रात के 1:41 है और 16 तारीख है, 16 सितंबर 2024 का। 16 इसलिए कि मतलब 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाता है ना, तो 16 शुरू हो चुके हैं और आधी रात है इस वक्त। मैं तो 10 बजे सो गई थी और अभी कुछ देर पहले आंख खुल गई। बस उठकर तो मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा सा फ्रिज से कुछ निकाल कर काया पिया और अब फिर टीवी देख रही हूँ। आज सरकार के जो तादाद पूरे ना होने की वजह से उनके जो चेहरे लटके हुए थे ना, वो जो मुंह लटकाए लटकाए बाहर आ रहे थे, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। अभी इन्होंने असेंबली का इजलास कल 12 बजे तक फिर तलब कर लिया। मतलब कितनी शर्म की बात है। बंदे तो इनके पास पूरे तय नहीं और डींगे ये लोग इतने मार रहे थे, लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी इनके लटके हुए चेहरे देखकर। यहाँ जब सरकार की नौकरी के लिए बंदा फॉर्म जमा करवाते हैं तो जब 30 साल देखते तो आप तो ओवर एज हो चुके हो, सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि ये ओवर एज हो चुका है। और अब तो ये वाले खाते प्राइवेट जो मल्टीनेशनल और प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने भी अभी ये स्टार्ट शुरू मतलब ये चीज़ें स्टार्ट कर ली है। वो लोग भी अभी एज लिखते हैं। तो जब जवानों को नौकरी देते हैं तब तो इनको 30 साल बहुत बुढ़ापा नज़र आ रहा होता है और ख़ुद अपने फ़ायदे के लिए 60-70 साल के बाबाओं के लिए और भी ये लोग नौकरियां बढ़ा रहे हैं। मतलब हद है। कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान आगे जाए तो पाकिस्तान हाक तरक्की करेगा, हाक आगे जाएगा। कोई फ्रेश माइंड तो उसमें आए ना कुर्सी पर। सारे बस बाबे शाबे ब्यूरोक्रेट रिटायर हो जाते हैं। इधर का चेयरमैन लगा, उधर का चेयरमैन लगा, इधर का चेयरमैन। जब तक वो मरेगा नहीं ना, तब तक वो कुर्सी से चिपटा रहेगा। हर इधर कोई जनरल वर्नर रिटायर हो जाता है, इधर चेयरमैन लगा, उधर। अच्छा, फौजियों को तो फिर भी चलो, उसमें ये होता है ना कि उसमें नौकरी की लिमिट है, मतलब 25 साल की लिमिट है, उसमें 60 साल वाली लिमिट नहीं है। अगर आप जल्दी भर्ती हो चुके हो तो आप जल्दी रिटायर हो जाओगे, लेकिन इनका तो 60 साल का मैार है ना, मतलब ब्यूरोक्रेसी वगैरह, इन्होंने तो 60 साल से पहले नहीं जाना। तो ये 70-70, 80-80 साल के बाबे बन चुके हैं लेकिन जाते नहीं है, कुर्सी से चिपटे हुए हैं। और अभी सरकार को इसमें क्या है? मतलब नज़र आ रहा है कोई ये तो नहीं कि इसको काजी से या औरों से बड़ा लब वब है। लब 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 तो नहीं है ना, लब में जानबूझ कर यूज कर मतलब इनको कोई लब वब तो नहीं है ना, लेकिन अपने फायदे के लिए सरकार के, मतलब इनको किस चीज में फायदा हो रहा है तो अपने फायदे के लिए इनकी उम्रें बढ़ा रहे हैं, इनकी नौकरियों की मुद्दतें बढ़ा रहे हैं। तो आज जब मैं इनके लटके हुए चेहरे देख रही थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून आ रहा था। अभी मैं टीवी ऑन करके बैठी तो इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान के दरबार में आना जाना लगा हुआ है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। मुझे तो पता है बहुत सारे दोस्त तो सो रहे होंगे, लेकिन चलो फिर भी मैं ये वीडियो जो है ना वो शक कर देती हूँ।